हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। तो आज है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है? देखो, आपने देखा होगा कभी आप अपना फ़ोन चार्ज करते हो और चार्जर को आप स्विच में लगा के ऑन करते हो। थोड़े टाइम बाद जब आप उसको टच करते हो तो क्या देखते हो कि वो थोड़ा गर्म हो गया, या आपका फ़ोन भी जो है वो गर्म हो गया। तो ये हीट कहाँ से आती है? गर्म हुआ मतलब हीट, तो हीट आई कहाँ से? बेसिकली ये हीट किसकी वजह से आई? उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही थी उसकी वजह से आई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, क्योंकि वहां और कोई तो एनर्जी नहीं थी। आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट फ्लो होती है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करती है, उसे हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। जब किसी भी कंडक्टर में कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो हो रही होती है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है कि ये हीट प्रोड्यूस क्यों होती है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, क्या कॉज है इस हीट के प्रोड्यूस होने का। तो देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि मान लो ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, वायर है कोई। कंडक्टर में क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से कुछ रैंडम डायरेक्शंस में मोशन कर रहे होते हैं। ठीक, अब जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं, ठीक, हमने एक बैटरी, एक सेल लगाया या अपना स्विच ऑन किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते हैं तो क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं किस डायरेक्शन में? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगते हैं। पहले कैसे थे? ऐसे रैंडम। अब एक फोर्स मिला इनको, ठीक है, उस फोर्स की वजह से ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं, और इस ड्रिफ्टिंग में, इस मूवमेंट में इनके बीच आपस में कोलिजन होता है। कोलिजन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब क्योंकि उन्हें मूव तो करना ही है और रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो आपको उनको क्या करना पड़ता है, एक वर्क करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे दरवाज़ा खोलना है, एक गेट खोलना है, लेकिन सामने से कोई उसको अपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे खोलना ही है, तो मुझे उस अपोजिशन को, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना होगा और कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और उस वर्क में क्या होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी। सिमिलरली जब इनमें कोलिजन होता है तो एक रेजिस्टेंस आता है, ऑपोजिशन आता है, हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था। ठीक है, रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन थी, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऑपोजिशन आता है, उस ऑपोजिशन को ओवरकम करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, और उस वर्क में एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है, और किस फॉर्म में आती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इसीलिए हमको यहाँ पर क्या मिलती है, हीट मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया आपको कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो एक अपोजिशन मिलता है, उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, और उस वर्क में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है और कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड विच इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। क्लियर है बात? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू
कंडक्टर फॉर सम टाइम हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. ठीक है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट. ठीक है. अच्छा, अब ये जो हीट प्रोड्यूस होगी ये किसके बराबर होगी, जितना वर्क किया है. ठीक है. नाउ अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज क्यू इंटू वी. आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन क्या होगा, क्यू इंटू वी. एंड अगर इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है आई, तो वो क्या होगी, क्यू बाई टी. क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, तो करंट हो जाएगी आई, और यहाँ से हमें क्यू मिलेगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी. ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी इंटू वी. दिस वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी. और यही वर्क डन किसके बराबर होता है, उस हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. क्लियर. तो यहाँ पर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी. ठीक. और यही किसकी फॉर्म में आती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में भी आपको मिलती है. ठीक है, तो ये आप नोट कर लो. और बच्चों हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स आप बनाया करो, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स. ठीक है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसको ज़रूर देखिए और इसको नोट करिए और अपने नोट्स खुद बनाइए अच्छे से. ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है, इस लॉ में जूल जो एक साइंटिस्ट थे, आपको पता है इनके नाम पर क्या है, यूनिट रखी गई है वर्क की या एनर्जी की. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. इसके बारे में इन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं. इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दिस लॉ स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. मींस एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, जितनी भी करंट फ्लो हो रही है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सेकंड इन्होंने क्या कहा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन विच करंट इज फ्लोइंग. ठीक है, एंड थर्ड थिंग इन्होंने कहा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम ड्यूरिंग विच
करंट इज फ्लोइंग, ड्यूरिंग विच करंट इज फ्लोइंग, एच इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। अगर आपको एग्जाम में आता है उसको बताने के लिए तो आप इसी तरीके से लिखेंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दूसरा, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के, एच इज प्रोपोर्शनल टू आर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो आपको क्या मिलेगा, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, के आई स्क्वायर आर टी, के हमने यहाँ कांस्टेंट ले लिया, और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ होता है कि के की वैल्यू होती है 1, और इसीलिए एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिलता है किसका, हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इन विच आई करंट इज फ्लोइंग ड्यूरिंग द टाइम टी एंड इट्स रेजिस्टेंस इज आर। एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है टी टाइम के लिए, और जो उसका रेजिस्टेंस है वो आर है, तो उसमें हीट जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, ये आपको बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना है, फुल मार्क्स में नहीं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसके क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूज़ है। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस की हम बात करें तो पहला एप्लीकेशन तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी हीटिंग वाले अप्लाइंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, लाइक आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक कैटल है, वाटर हीटर है, ये सब क्या करते हैं, इन सब में एक फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट में करंट फ्लो होती है और उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इस इफेक्ट को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये एडवांटेजेस भी है, लेकिन कहीं कहीं ये डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज कैसे हैं कि ये हीट प्रोड्यूस करके हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको वेस्ट कर देती है, हर जगह तो हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमें लाइट चाहिए, बट इसमें लाइट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, होती है ना, आप देखो कभी भी थोड़ी देर को बल्ब को जलाओ, उसको ऑफ करो और उसको आप पकड़ के देखो, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो क्या है, हमें तो वहाँ रिक्वायरमेंट थी लाइट की। ठीक है, देखो आयरन की अगर हम बात करें, आयरन में हमें ठीक है हीट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ तो हमारे लिए अच्छी बात है, एडवांटेजेस है, बट बल्ब में क्या है, हमें तो लाइट चाहिए बल्ब से, बट वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो इसका क्या होता है, डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो ये हमारे डेली लाइफ में इसके एप्लीकेशंस हो गए। अब चलो करते हैं एक क्वेश्चन छोटा सा इस कंसेप्ट पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड। ठीक है, चलिए चलो देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 9600 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। आपको क्या करना है, हीट प्रोड्यूस्ड निकालनी है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड आपको पता है क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो एक चीज और है, इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको आर की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको आर की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। या हमने एक और फॉर्मूला देखा था जो वर्क डन का देखा था, वो क्या था, वी आई टी। तो हम इस फॉर्मूले को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो वी आई इज नॉट गिवन, आई क्या होता है, आई इज वॉट, क्यू बाई टी। ठीक है, आई को मैं क्यू बाई टी लिख दूँ इंटू टी। चलिए वी इज 50 एंड क्यू इज 9600 अपॉन, अच्छा देखो टी से टी आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो इसीलिए ये हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो
तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो इतना जूल आपको यहाँ पर हीट एनर्जी मिल जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4.8 × 10^6 जूल, ठीक है। छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, चाहे आप बोर्ड की बात करो, चाहे आप एनटीएससी या किसी ओलंपियाड की बात करो, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पावर। तो आप पढ़ चुके हो पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर, मैकेनिकल पावर हो या कोई भी पावर हो, तो क्या होता है, व्हाट इज पावर, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की रेट, ठीक है, या वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इट इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। या फिर आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, कैसे, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ठीक। चलिए तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक। अब आपने वर्क का अभी अभी हमने फॉर्मूला डराइव किया था, क्या मिला था मुझे, VIT/T, तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू VI, एक पावर का रिलेशन आपको यहाँ पर ये मिलता है। नाउ अब आपको पता है, एज वी नो डेट V इज इक्वल टू IR, ठीक है, V इज इक्वल टू IR, अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा, पावर इज इक्वल टू V इंटू I है, V की जगह हमने रख दिया IR इंटू I, तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, ठीक। नाउ अब अगर आप यहाँ से देखो, I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R, है ना। तो हम यहाँ पर एक और अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, V और I की जगह लिख दें V अपॉन R, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ पर आपको पावर के ये थ्री रिलेशंस मिलते हैं, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ये तीनों रिलेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, जो न्यूमेरिकल आएगा, वो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड आएगा, आपको इन तीनों में से ही कोई रिलेशन लगा के और फाइनल जो आंसर है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूला की। अब जरा यूनिट की बात कर लें, तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, वॉट, ठीक, SI यूनिट इज वॉट। बट अगर आप यहां से देखो तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क की क्या होती है जूल, और टाइम की हो गई सेकंड, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, ठीक है, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। अब मुझे 1 वॉट को अगर डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, हाउ डू यू डिफाइन 1 वॉट, 1 वॉट क्या होगा, इफ 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड, देन द पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू 1 वॉट। अगर कोई भी सर्किट, कोई भी डिवाइस 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम करता है, खर्च करता है, तब उसकी जो पावर होगी, पावर रेटिंग होगी, वो कितनी होगी, 1 वॉट होगी। क्लियर हो रही है इतनी बात।
इसकी और बिगर यूनिट भी होती है, कभी कभी बड़ी यूनिट यूज करते हैं तो इसकी जो बिगर यूनिट होती है वो होती है किलोवाट। किलोवाट होता है 10^3 वाट या मेगा वाट, और ये होता है 10^6 वाट। ठीक है, कहीं हमें बड़ी पावर यूज करनी होती है तो हम बड़ी यूनिट यूज कर लेते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10^3 वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10^6 वाट। क्लियर, ये आपको पूरा पावर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो अभी अभी हमने क्या देखा कि जो पावर रेटिंग है या पावर है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगा, पावर इंटू टाइम। ठीक, आप इसको कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से या उस तरह से भी बना सकते हो, कैसे भी लिख लो। तो ई यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट देखें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या होगी, पावर की यूनिट वॉट और टाइम की यूनिट सेकेंड। ठीक, बट कॉमर्शियली जो हम यूज करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड की यूनिट यूज की जाती है उसमें पावर यूज की जाती है किलोवाट में और टाइम यूज किया जाता है आवर में। ठीक है, तो इसीलिए कमर्शियल यूनिट जो होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आर, इसको के डब्ल्यू एच बोलते हैं, के डब्ल्यू एच से लिखते हैं, किलोवाट आर। ठीक है, तो इट इज द कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट का मतलब जैसे हमारे घरों में मीटर लगा होता है, वो मीटर हमें क्या बताता है कि हमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो उसमें जो हम बोलते हैं ना 1 यूनिट, 10 यूनिट, 5 यूनिट, तो वो यूनिट इज व्हाट, दैट यूनिट इज किलो वॉट आर। अगर आपके मीटर का बिल 10 यूनिट आया, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है 10 किलोवॉट आर। अब इस किलो वॉट आर का मतलब क्या है, किलो वॉट आर का मतलब है कि अगर 1 किलोवॉट का कोई भी अप्लायंस 1 घंटे तक चलाया जाए तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 यूनिट होगी, 1 किलोवॉट आर होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर। एक रेफ्रिजरेटर 350 वॉट एनर्जी कंज्यूम पावर रेटिंग है इसकी और 10 घंटे तक चलता है 1 दिन में। कैलकुलेट करनी है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। 30 दिन तक जब ये चलेगा तो कितनी कॉस्ट लगेगी, और जब 1 किलोवाट आर की कॉस्ट है 3.40 रुपीज, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी किलोवाट आर में कि इसने कितनी किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करी 30 डेज में। तो पहले 1 डे का देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, ओके, 1 डे में कितना चल रहा है 10 आवर, और एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम। पावर इज 350 इंटू टाइम इज 10 आवर। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम के डब्ल्यू एच में पावर एनर्जी को निकाल रहे हैं तो पावर जो होनी चाहिए वो किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम आपका आवर में होना चाहिए। तो टाइम तो ठीक है हमारा आर में है 10 आर, बट पावर क्या है 350 वॉट। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलो वॉट में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000, देन हमारे पास बचा 3.5 किलो वॉट आर,
वन डे का। अब आपको कितने दिन का निकालना है? 30 डेज का निकालना है। तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, ठीक है। 30 डेज में कितना हो जाएगा? एक दिन में 3.5 है, तो 30 डेज में 3.5 × 30, ये कितना आएगा आपका? 0, 3 5 15, 1, 3 3 9 और 1 10, पॉइंट लगा दिया, 105 kWh, ठीक है। नाउ अब हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई कि हमने कितनी कंज्यूम की बच। अब क्या करना है? कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट फाइंड कर लो। कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 105 kWh, एंड 1 kWh की कॉस्ट है 3.40। ओके, आप इसको सॉल्व कर लो। इसको आप यहाँ सॉल्व कर लो, 105 एंड 334, 5 4 20, 02 4 0 2 4 इंटू 5 3 15, 1 1 3। ओके, तो हमारा आया 3570 एंड 0, ठीक। तो 357 रुपीज़, ये यहाँ पर आपका कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करो। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके अलावा मोर प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस शीट दे रखी है, पिछले दो वीडियो में भी लिंक दिया था, इसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक से डाउनलोड कर लो और उससे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पे दो वीडियोस बना रखी हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।